हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक मेकअप क्रिएट करने वाले हैं जिसे हाउसवाइफ, टीनेजर और कॉलेज गर्ल क्रिएट कर सकती हैं इस मेकअप को। आज लेट्स गेट स्टार्टेड। ये अभी मॉइस्चराइजर लगा लिया है बट मैंने इसे सूट करना भूल गई थी। अब हम लैक्मे के 925 बीबी सीसी क्रीम यूज करने जा रहे हैं, जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। देख सकते हैं आप कितनी क्यूट पैकेजिंग है। अब हम इसको प्रोडक्ट को निकालेंगे। मैं इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट निकाली हूँ और ये अच्छे कवरेज देती है। इसे टैप टैप करके हमें पूरे फेस में लगाना है। देखिए मैं कैसे पिक कर रही हूँ। टैप टैप करके आप अपने आइस में, माउथ और चिक में अच्छे से लगा लीजिए। अब हम एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे और फाउंडेशन में भी सीसी क्रीम में सबसे मेन होता है ब्लेंड करना। सीसी क्रीम में नहीं, फाउंडेशन में ही सबसे मेन होता है ब्लेंड करना। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी आपका मेकअप अच्छा होगा, स्मूथ अच्छा होगा, बेस अच्छा बनेगा। और ये देखिए कितनी स्मूथली ये मेरे फेस में कवर हो जा रही है, स्मूथली ब्लेंड हो जा रही है, आप देख ही सकते हैं। इसमें देखिए ये कवरेज भी बहुत अच्छा दिया है आपको। अभी ये मेकअप ओवर लग रहा है पर गाइस सेट होने के बाद ये मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। अभी आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा कि हाँ अभी एक्स्ट्रा है। अब ब्लेंडिंग आप ब्लेंडिंग के लिए मेकअप में टाइम दीजिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी, इतना अच्छा आपका मेकअप का बेस बनेगा। इसलिए गाइस आप मेकअप करने के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं मैं कैसे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आईज में, नेक में, अप सब साइड ब्लेंडिंग कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए मैं अब फेस पाउडर का यूज कर रही हूँ मेकअप को लॉक करने के लिए। आप भी अच्छे से फेस पाउडर जरूर यूज करें। मैं लैक्मे का फेस पाउडर यूज कर रही हूँ और मैं ज़्यादातर लैक्मे का ही फेस पाउडर मुझे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि मेरे फेस में अच्छी कवरेज देती है और गर्मियों के दिन में वो मेरे मेकअप को ख़राब नहीं करती है। इसलिए मैं लैक्मे का ही फेस पाउडर यूज करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये देखिए मेरा ये मेकअप किट है। आपके पास भी ऐसा एक मेकअप किट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर बट मेरे पास है तो मैंने लगा कि मैं दिखा दूँ। अब हम अपने फेस में, सॉरी आईज में आईज मेकअप करने जा रहे हैं। अब मैंने इस यहाँ पे पिंक कलर चूज किया है क्योंकि मुझे ये, मैं नॉर्मल आईज मेकअप करना चाह रही थी, एकदम लाइट वेट मेकअप करना चाह रही थी जिसे टीनेजर, कॉलेज गर्ल और हाउसवाइफ जल्दी कैरी कर सके, क्रिएट कर सके। आप देख सकते हैं कि मैंने आई मेकअप कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा और ज़रूरत है। अगर आपको आईज मेकअप करना पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। आपको जैसा आपको पसंद है वैसे आप कीजिए। नॉर्मल थोड़ा पार्टी वेयर टाइप ही मैं मेकअप कर रही हूँ। आपको आईज मेकअप करना पसंद है कि नहीं पसंद है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं कमेंट बॉक्स में। अब मैं थोड़ा हाइलाइटर लगा रही हूँ। मैं अपने आईज मेकअप में थोड़ा हाइलाइटर लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए उसमें ग्लो भी आता है और आईज मेकअप उभर के आता है। आप देख सकते हैं मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। या हाइलाइटर आपको भी लगेगा कि बॉल टाइप लगाई है, गोला क्यों लगाई है, बट ये थोड़ा सा मेकअप जब सेट होता है तो बहुत प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं कुछ टाइम में कि कैसा लगता है। अब मैं अभी आईज मेकअप की हूँ तो ग्लिटर जो मेरे फेस में गिरा है उसको मैं ब्रश के हेल्प से निकाल ले रही हूँ।
अब मैं आईलाइनर लगाने जा रही हूँ। मैं आईलाइनर ब्लू हेवन का आईलाइनर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये आईलाइनर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी रहता है, और आप आईलाइनर के टाइम आप आईलाइनर लगाते समय सारा फोकस आईलाइनर पे रखिएगा, क्योंकि आईलाइनर लगाना बहुत इजी रहता है, बट आपको आना चाहिए। मैं सिंपल मेकअप क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं भी ब्लू हेवन का काजल भी यूज कर रही हूँ। इसकी काजल की जो क्वांटिटी वो भी अच्छी है, और ये ज़्यादा टाइम तक फेस में टिका रहता है, और ये मच नहीं होता मेरे फेस में, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट ब्लू हेवन के भी मुझे अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट लगाना। अगर आप मेरे चैनल पर देखिए मैं कौन सी बिंदी लगाऊँ, फ्रेंड देखिए मैं कौन सी बिंदी लगाऊँ, आप देख सकते हैं मैं कौन सी बिंदी पिक करूँ अपने फेस में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको भी दिखा दे रही हूँ कि मैं कौन सी बिंदी मेरे पे ज़्यादा सूट करेगा। फिर मैंने लास्ट में दिखाई थी आपको, शो कराई थी, मैं वाली बिंदी लगा ले रही हूँ। अगर आप टीनेजर हैं या कॉलेज गर्ल हैं तो आप बिंदी सिंदूर को स्किप कर दीजिएगा, बट जिसकी शादी हो चुकी है, मैरिड है, उन्हें उनके बिंदी और सिंदूर के बिना काम ही नहीं चलता। और मैंने यहाँ पर रेड लिपस्टिक लगाया है, और मुझे मोस्टली रेड लिपस्टिक कुछ ज़्यादा ही पसंद है, अब मेरे फेस में अच्छी भी लगती है। अब मैं अपने फेस को फिक्स करूँगी मेकअप फिक्सर के हेल्प से। देखिए मोस्टली अगर मैं मेकअप फिक्सर लगा लेती हूँ तो मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, और मैं अब मेकअप रेडी है। आपको गाइस आपको कैसा लगा इस मेकअप, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके। बाय बाय।